हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चैप्टर वाइज चेक करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एक्सप्लेनेशन की, आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको भी हम थ्री पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है आपका हैबिट एंड एडेप्टेशन, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये बात कि ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, कैसी उनकी सराउंडिंग्स होती है। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो बहुत टाइनी हो या बहुत ह्यूज हो, है ना, वो सभी इस अर्थ पर कहीं ना कहीं रहते हैं। ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां पर ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेंगे। इवन वॉल्केनोज में भी आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। वॉल्केनो भी एक ऐसी प्लेस है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जब वॉल्केनोज जैसी प्लेस पर कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो कोई इस दुनिया में कोई ऐसी प्लेस ही नहीं है जहां पर ऑर्गेनिजम्स ना हो। यानी हर जगह पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और अपने हिसाब से सराउंडिंग्स वो खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, द डेजर्ट्स हैड कैमल। डेजर्ट क्या, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं होता। अब आप सोचो कि आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे पानी ना मिले तो आपका क्या हो, लेकिन ऐसी प्लेस पर भी एनिमल्स मिलते हैं। और कौन सा एनिमल मिलता है, ऐसी प्लेस पर मिलता है आपको कैमल। ये बहुत लंबे टाइम तक विदाउट वाटर रह सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। क्या बोलते हैं इसको, शिप ऑफ डेजर्ट। द माउंटेन्स हैड गोट एंड याक। अब माउंटेन्स पे सोचो कितनी ठंड होती है, पानी भी वहां बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि जो पानी होता है वो जम चुका होता है। तो वहां भी एनिमल्स मिलते हैं आपको, गोट्स एंड याक्स मिलते हैं। अब वो इतनी ठंड कैसे सहन कर पाते हैं, कैसे बेयर कर पाते हैं इतनी ठंड को, उनकी बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं ना वो उनको उस एटमोसफेयर में रहने के लिए बनाते हैं कि जो हेयर्स हैं वो वहां की ठंड को रोक पाए और वो अपना वहां पर अपनी लाइफ को बिल्कुल इजीली स्मूथली सर्वाइव कर पाए, है ना। और कैमल के तो लेग्स ही इतने लंबे लंबे होते हैं, इतने बड़े बड़े लेग्स होते हैं उसके, की जो हीट होती है, यानी जो उस सैंड की जो हीट होती है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो वहां सर्वाइव कर पाता है। क्लियर। पूरी हेड सब अदर क्रिएचर, यानी पूरी एक प्लेस का नाम है जो कहाँ पड़ेगा आपका, वेस्ट साइड में पड़ेगा, कहाँ, महाराष्ट्र से नीचे की साइड पड़ेगा आपका पूरी, वो पानी का इलाका है पूरा। तो वहां पर भी क्रिएचर्स रहते हैं। कौन से क्रिएचर्स रहते हैं वहां पर, क्रैब रहते हैं बीच पर, और आपको फिशेस भी मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको सी एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे भी और बड़े भी। क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। और फिशरमैन यहाँ से इन क्रिएचर्स को पकड़ कर ले जाते हैं अपने लिए और सेल करने के लिए। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। और एक आंट मतलब चीटी। चीटी एक ऐसा क्रिएचर है या ऐसा टाइनी एनिमल है जो आपको कहीं भी किसी भी लोकेशन में मिल जाएगा, किसी भी एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, है ना। ये अपनी बॉडी को एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज कर लेता है। ठीक है, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजंस वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजंस। यानी केवल एनिमल ही नहीं, प्लांट भी अपने आप को रीजन के हिसाब से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। यानी माउंटेन पर अगर आप जाओगे तो आपको कुछ इस शेप के प्लांट मिलेंगे जो ऊपर से कोनिकल होंगे, है ना, नीचे से फैले हुए होंगे। जब आप प्लेन्स पर जाओगे तो आपको इस तरीके से प्लांट मिलेंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो बात को। जहां आप जैसे स्टेशन पर पहुंचोगे, जैसे रीजन में आप पहुंचोगे, उस टाइप से प्लांट भी और एनिमल भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। जब आप सी में देखते हो, सी में बहुत नीचे नहीं जाते, जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो जो फिशेज मिलेंगी वो आपको इस तरीके से मिलेंगी, यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी उनकी, आगे से और पीछे से पॉइंटेड और बीच में से फूली हुई। लेकिन जब आप सी में बहुत डीप में पहुंच जाओगे तो
जो आपको फिशेज मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी फ्लैट, यानी बीच में से वो मोटी नहीं होंगी, बीच में से भी वो फ्लैट होंगी लाइक अ काइट, इस तरीके से है ना, इस तरीके से उनकी बॉडी होगी और यहाँ पर उनके फिन्स होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनको अंडर सी वाटर रहना है और वहां के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है ना, वहां के हिसाब से उन्हें अपने आप को चेंज करना है, इसीलिए वो अपनी बॉडी को चेंज करते हुए चले जाते हैं। अगर अगर स्ट्रीम लाइन फिश को आप बहुत ज्यादा डीप सी में भेज दो तो वो वहां का प्रेशर बेयर नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। ठीक है, चलो याद रखो, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट का क्या मतलब है? हैबिटेट का मतलब है कि जिस सराउंडिंग में जो एनिमल रहता है वो उसका क्या बन जाता है, हैबिटेट बन जाता है। ठीक है, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन या सॉल्टी वाटर। जितने भी समुद्र हैं उनमें पानी जो होता है वो कैसा होता है, वो सॉल्टी होता है, सॉल्टी यानी नमक वाला पानी होता है। ठीक है, आप नहीं पी सकते उस वाटर को। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, और जो सी एनिमल्स होते हैं वो उस पानी में घुली हुई एयर यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। कौन सी ऑक्सीजन को? जो उस वाटर में मिक्स्ड है, जो उस वाटर में डिजोल्व है, यानी अंडर सी एनिमल्स क्या करते हैं, बाहर नहीं आ सकते। वो बाहर क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सांस लेने के लिए उनके पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते, वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, और जो एनिमल गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं वो लोग वाटर में मिली हुई ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर वो पानी से बाहर आएंगे तो वो मर जाएंगे। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम पानी मिलता है भाई, समुद्र में पानी ही पानी है, कहीं पर पानी पानी और कहीं पर बहुत लेस वाटर है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, जो दिन होते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं, बहुत मतलब बहुत गर्म होते हैं, और जितने दिन गर्म होते हैं उतनी ही रातें वहां पर ठंडी होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा एनिमल जो अपने आप को दिन और रात के हिसाब से क्विकली चेंज कर पाए, वही 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 एनिमल वहां सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज या तो रात में मर जाएगा या फिर दिन में मर जाएगा भाई। अगर उसको गर्मी सहन नहीं हुई तो दिन में गया, और अगर रात में उसको ठंड नहीं सहन हो पाई तो वो रात में वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यानी जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो डेजर्ट की सॉइल से, डेजर्ट की जो सॉइल होती है, देखी होगी आप लोगों ने अगर कभी राजस्थान साइड गए होंगे तो वहां की जो सॉइल होती है ना वो कैसी होती है, बहुत रेतीली होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जाकर जब दोपहर के टाइम पर या दिन के टाइम पर जब बहुत ज्यादा वहां गर्मी होती है तो वो बिल्कुल जमीन के अंदर जाकर घुस जाते हैं, जिससे उनको वो गर्मी ना सहन करनी पड़े जो दिन में होती है। और रात के टाइम क्या करते हैं, रात के टाइम वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, जिस पिक्चर में आपको सी एनिमल्स बताए हुए हैं सारे, कि कौन कौन से एनिमल सी एनिमल्स होते हैं। ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे फिशेज हैं जो आपको अंडर सी मिलेंगी, बाहर आने पर ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और जो दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा है, ये सारे डेजर्ट एनिमल है, ये डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, वहां रहने के लिए इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। जैसे आपका कैमलियन हो गया, सेंट्रीपीड हो गई, और ये रसल स्नेक हो गया है ना, मीर कैट हो गया, वल्चर हो गया, स्कॉर्पियोन, कोबरा, कैमल। कैमल को तो अभी मैंने बताया था शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है ना। रेड नी टार्टेंटुआ मतलब एक तरीके की स्पाइडर। तो ये सब एनिमल्स क्या है, ये सब एनिमल्स इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। एनिमल कैमल, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। यानी कैमल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बना ही इस तरीके से होता है कि वो डेजर्ट में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाए। ये जो आपको इसकी बैकबोन दिख रही है ना, ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, सभी लोग बोलते हैं कि इसमें वो वाटर कलेक्ट करके रहता है, लेकिन मेन बात यह है कि इस हम्प में वो वाटर नहीं कलेक्ट करता, इस हम्प में वो फैट को कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? फैट को कलेक्ट करता है, जो उसके ऐसी कंडीशन में काम आता है जब उसके पास काफी दिनों तक ना तो पानी होता है और ना उसके पास खाना होता है। ठीक है,
कैमल हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। यानी कैमल के जो लेग होते हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं कि वो जो सैंड है, सैंड की जो हीट है उससे उसको काफी दूर रखते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी ये बहुत ज्यादा यूरिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन करेंगे तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, है ना। और जो इनकी डंग है वो भी बहुत ड्राई होती है, ठीक है, वो भी बहुत ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि इनको वहां सर्वाइव करना है, वहां सर्वाइव करने के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी बॉडी को चेंज किया, ठीक है। और इनको पसीना भी नहीं आता, तो ना तो जब यूरिन निकलेगा और डंग भी इनकी ड्राई होगी और स्वेट भी इनको नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली कि इनके बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा ठंडियों में हमें कम प्यास लगती है और गर्मियों में हमें बहुत प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि गर्मियों में हमारा स्वेट भी निकलता है, हम थकते भी हैं, है ना, यानी हमारा फैट भी लूज होता है और हम यूरिन भी बहुत जाते हैं। तो जब ज्यादा चीजें, ज्यादा लिक्विड हमारी बॉडी से बाहर जाएगा तो हमें ज्यादा लिक्विड की जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन टू कैसा, कोल्ड वेदर। ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में हम पानी कम पीते हैं, हमें पसीना नहीं आता, है ना, हम बार बार टॉयलेट नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो हमारा पानी है जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हम बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है। सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। केवल कैमल ही ऐसा एनिमल है जो बहुत दिनों तक, बहुत घंटे नहीं, बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शिप ऑफ डेजर्ट। आगे आते हैं, लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब फिश के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अलग अलग तरीके की आपको यहाँ फिश दिखाई दी है, देख रहे हो ना, सभी तरीके की फिश है, कुछ फ्लैट है, कोई स्ट्रीम लाइन बॉडी है, किसी के बहुत सारे लेग्स हैं। There are so many kinds of fishes, but do you see that they all have something common about their shape? मतलब इन सब में एक चीज कॉमन है जो है इनकी शेप, और शेप कैसी होती है, आगे और पीछे से पॉइंटेड, है ना, आगे और पीछे से पॉइंटेड और बीच में से खुली हुई, ठीक है। All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8. जब मैंने आपको चैप्टर 8 बताया था तो मैंने उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था मोशन, ठीक है। और मोशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है जो उसको पानी में सर्वाइव करने में, पानी में उसको मूव करने में भी हेल्प करती है। यानी जब इसका माउथ राइट साइड में होगा तो इसकी टेल लेफ्ट साइड में होगी, जब इसका माउथ लेफ्ट साइड में होगा इस तरीके से तो इसकी जो टेल होगी वो राइट साइड में होगी, ठीक है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, ये जो शेप है इनकी ये पानी के अंदर इनको मूव करने में हेल्प करती है। फिश हैज स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो फिशेज होती है ना उनकी बॉडी पर कुछ स्केल्स होते हैं इस तरीके के, इस तरीके के इनकी बॉडी पर ना स्केल्स होते हैं, और ये स्केल्स इतने स्लिपरी होते हैं कि आप अगर फिश पकड़ना चाहोगे तो आप इजीली फिश को नहीं पकड़ सकते, आपके हाथों से फिसल जाएगी वो, ठीक है। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वॉटर, यानी इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं ये स्केल्स और इनके इजी मूवमेंट में इनकी हेल्प भी करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वॉटर। यानी इनके जो पतले पतले फिन्स है बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये, और ये जो इनकी टेल है ये पानी में इनको वाटर में इधर उधर मूव करने में और इनकी बॉडी को बैलेंस रखने में इनकी हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लगभग 3 pair दोनों साइड 3 pair है ना, लगभग 3 pair इनके गिल्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को वाटर के साथ अंदर लेते हैं और मुंह से वाटर को निकाल देते हैं, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू सी हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और ये अपने गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन को वाटर से ले लेते हैं, ठीक। ये देखो कितनी तरीके की फिश आपको दिखाई है, इसमें ये जो डॉल्फिन है और जो वेल है
ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है। इसमें भी आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि जो वेल फिश होती है ना, इसके पास गिल्स नहीं होते, वेल के पास और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते, इन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना होता है। लेकिन एक बार में ये इतनी ब्रीथ अपने अंदर ले लेती है कि 10 से 15 मिनट ये पानी के अंदर बिता सकती है एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आने के बाद। ठीक है, तो कौन से ऐसी फिश है जिसके पास गिल्स नहीं होते? तो आप बोलोगे कि वेल एक ऐसी फिश है जिसके पास गिल्स नहीं होते, और वेल ही ऐसी फिश है जिसको हम मैमल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैमल? क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों बोलते हैं इसको मैमल? कौन सी फिश को मैमल बोलते हैं? मैमल बोलते हैं हम वेल को। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे अपने बच्चों को फीडिंग कराती है, मिल्क फीड कराती है। ठीक है, चलो अब आता है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Adaptation का मतलब होता है वातावरण के अनुकूल अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेना। जैसे आप अगर यहाँ यूपी में रह रहे हो, यूपी से अगर आप कहीं बाहर जाते हो, यानी अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, किसी ठंडे रीजन में जाते हो, तब आप क्या करोगे? बहुत सारे कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह लेकर जाओगे। क्यों लेकर जाओगे? क्योंकि आपको मालूम है वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है और आपको उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, तो इसी को हम एडेप्टेशन बोलेंगे। दूसरा, बहुत सारी बर्ड्स आप देखते होंगे जो किसी किसी मौसम में यहाँ पर आती है, किसी किसी वेदर में आती है। जो बर्ड्स आपको गर्मियों में दिखेंगी वो ठंडियों में नहीं दिखेंगी, जो ठंडियों में दिखेंगी वो गर्मियों में नहीं दिखेंगी। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर गर्मी में रहने वाली बर्ड है तो जिस रीजन में गर्मी होगी वो क्या करेंगी? जब वहां पर ठंड हो जाएगी ना, तो वो वहां से दूसरी प्लेस पर जाएंगी और ऐसी प्लेस ढूंढेंगी जहां पर उनको गर्म मौसम मिलेगा। और जहां भी उनको गर्म मौसम मिल जाएगा वो वहां पर कब तक रहेंगी? जब तक वहां गर्म मौसम रहता है। लेकिन जब वहां भी ठंड पड़ने लगेगी तो वो वहां से फिर बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है आपका एडेप्टेशन। नेक्स्ट देखो, हैबिटेट। The surroundings where organisms live is called habitat. ऐसी surrounding, जिस surrounding में animals या कोई भी organism रहता है उसको उसका habitat बोलते हैं, यानी हिंदी में हम इसको बोलेंगे वास स्थान। क्या बोलेंगे? वास स्थान या रहने की जगह। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि habitat का क्या मतलब है। वास स्थान मतलब जैसे हमारा घर। The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. यानी जहां वो रहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पर भी रहता है वहां पर उसको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। किस किस की? फूड की, वाटर की, एयर की और एक शेल्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, habitat means a dwelling place. अब बताया था मैंने आपको कि habitat का क्या मतलब होता है? A home. Habitat का मतलब है घर, जहां पर आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल सके। आपको पानी भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए और एक छत भी मिल जाए। ठीक है, सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। ठीक है, आप किसी भी फॉरेस्ट में जाओ, है ना, यहाँ जाओ जयपुर में घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार में आप देखोगे वहां पर इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे बर्ड्स और इतने सारे आपको प्लांट मिलेंगे जो उसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। और बहुत सारे आपको ऐसी बर्ड्स भी मिलेंगी जो कहीं और से एडेप्टेशन करने के बाद आती हैं वहां पर रहने के लिए, क्योंकि उनको वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सूट करता है। और जब तक सूट करता है तब तक रहती है, नहीं सूट करता तो वहां से फिर आगे चली जाती है। ठीक है, The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic component. यानी जितनी भी living thing मतलब जो grow करती है, जो oxygen लेती है, जो खाना खाते हैं, है ना, जो move कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे जो organisms होते हैं वो क्या होते हैं? वो living things होते हैं। और जितने भी living things हैं, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो,
वो जिस हैबिटेट में मिलते हैं, यानी किसी भी हैबिटेट में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ध्यान रखना, बायोटिक कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सोइल, एयर, वाटर, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब से मिलकर बनता है ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी लिविंग थिंग्स से मिलकर बनता है बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनता है ए बायोटिक कंपोनेंट, या ऐसे कह लो कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दैट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, विच आर द मेन एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो आप सनलाइट सबसे पहले लिखोगे उसमें। ठीक है, एबायोटिक सेक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस पढ़ा था है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना आपने, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा है, किसी भी प्लांट के लिए क्या क्या जरूरत, किस किस चीज की जरूरत होती है, एयर की, वाटर की, सनलाइट की है ना, और क्लोरोफिल की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं आपकी एबायोटिक कंपोनेंट। इन फैक्ट दीज एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, और ये केवल प्लांट के लिए ही जरूरी नहीं है, ये हर लिविंग थिंग के लिए जरूरी है, जो भी लिविंग थिंग है चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, अगर इनमें से एक भी चीज उसको नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एटमोसफेयर में, सराउंडिंग्स में। ठीक है, एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एडेप्टेशन थोड़े समय में नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, आपको जहां रहना है वहां से आप किसी दूसरी जगह पर जब जा रहे हो तो वहां के एटमोसफेयर को या वहां के एटमोसफेयर में आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, आप ऐसा नहीं है कि आज कहीं गए और वहां जाके आपने वहां के एटमोसफेयर को अडेप्ट कर लिया और आप वहां पर वहीं की तरह रहने लगे, नहीं होता ना ऐसा, आप बीमार भी पड़ोगे, घर से निकलना भी बंद करोगे है ना, तो जहां भी हम जाते हैं वहां के एडेप्टेशन को लेने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज, किसी भी जगह के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हजारों साल में चेंज होते हैं। Those animals which cannot adapt to these changes die out. यानी वो एनिमल जो एडप्ट नहीं कर पाते इन चेंजेस को वो मर जाते हैं, जो एडप्ट कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। एनिमल्स एडप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अलग अलग एनिमल बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को एडप्ट करते हैं, सभी एनिमल्स सभी तरीके के एबायोटिक फैक्टर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। द रिजल्ट इज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट, और इसीलिए जो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो हमें देखने को मिलती है अलग अलग हैबिटेट में। माउंटेन्स में जाओगे तो वहां पर आपको अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे, प्लेन्स में आओगे तो अलग तरीके के मिलेंगे, आप अंडर वाटर सी जाओगे तो आपको अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले, बात करते हैं डेजर्ट की। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट एंड स्नेक व्हिच डू नॉट हैव अ लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज, मतलब डेजर्ट में ऐसा नहीं है कि केवल कैमल ही मिलता है जिसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, कैमल की तरह और भी एनिमल्स मिलते हैं, रैट है और स्नेक है जिनके तो पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, अब ये कैसे सर्वाइव करते हैं उसमें। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंस हीट ड्यूरिंग द डे They stay in burrows deep in the sand. ये क्या करते हैं, सैंड के अंदर बहुत गहरे गहरे ये लोग होल बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं और पूरा पूरा दिन ये उसके अंदर रहते हैं, यानी जो भी एनिमल आपको मिलेगा वहां पर डेजर्ट में, आपको जो भी एनिमल मिलेगा वो इसी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा, अगर वो सोचेगा कि मैं बिना गड्ढा बनाए या जमीन पर सैंड में पूरा दिन बिता दूंगा तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर बहुत गहरे गहरे बरोज बना लेते हैं जिनमें ये पूरा दिन रहते हैं और रात को जब ठंड हो जाती है तो ये बाहर निकल कर आ जाते हैं। ठीक, दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर, लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। कोई भी एक प्लांट लो जिसको आपने पॉट में लगाया हुआ है और उसको धूप में छोड़ दो, पॉट
What do you see? क्या देखोगे आप? Do you notice any difference in amount of water collected on the two polythene bags? क्या किया हमने? इस तरीके से प्लांट लगाया, ठीक है, और इनकी लीफ पर पॉलिथीन बांध दी। एक को पानी दो और एक को पानी मत दो, ठीक है, और इन पर इनको दोनों को धूप में रखो। तब आप क्या देखोगे? जिस प्लांट को आपने पानी दिया है उसकी लीव्स तो ग्रीन रहेंगी, पॉलिथीन में पानी कलेक्ट हो जाएगा। जिस लीव पर आपने पॉलिथीन टाइप किया है वहां पर आपको वाटर मिलेगा, वाटर दूसरे प्लांट की लीव पर भी मिलेगा, लेकिन उस प्लांट की जो लीव्स होंगी वो शाम तक येलो हो जाएंगी क्योंकि आपने पानी नहीं दिया और जो पानी था उस प्लांट में वो क्या हो गया, धूप की वजह से निकल गया, सारा पानी ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है आपके डेजर्ट प्लांट जिसको कई कई महीनों तक पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो डेजर्ट में मिलने वाले जितने भी प्लांट है ना, जितने भी प्लांट है, इनमें किसी में भी लीफ नहीं होती। अगर लीव्स नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा? वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीव्स की जो बैक साइड होती है वहां पर स्टोमेटा इस तरीके के बने हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हालांकि इस तरीके के बहुत सारे स्टोमेटा मिलते हैं। जितनी तेज धूप पड़ेगी उतने स्टोमेटा बड़े ओपन होंगे और जितने बड़े स्टोमेटा ओपन होंगे उतनी वाटर की ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। जब प्लांट में लीव ही नहीं होगी तो स्टोमेटा ही नहीं होंगे और जब स्टोमेटा नहीं होंगे तो वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस। जितने भी प्लांट आपको डेजर्ट में मिलेंगे या तो उनकी लीव एब्सेंट होंगी या बहुत छोटी छोटी होंगी या फिर जो लीव्स होती है वो स्पाइंस यानी कांटों में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? कांटों में चेंज हो जाती है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो किसमें हेल्प करती है? कम से कम वाटर लॉस होने में इनकी हेल्प करते हैं, बहुत कम वाटर ट्रांसपिरेशन होता है। The leaf-like structure you see in a cactus. Cactus हम अपने यहाँ भी लगाते हैं, देखा होगा आपने, एक भी लीफ नहीं होती उसमें, स्टेम स्टेम होता है और क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। और आप सारे प्लांट को आपको दोनों टाइम वाटर देना होता है, लेकिन आप कैक्टस को पानी दो या मत दो वो ग्रीन ही रहेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इनमें स्टेम की हेल्प से होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल स्टेम में होता है, लीफ में तो होता ही है, लेकिन जब लीफ नहीं है तो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होगा? स्टेम में प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। और जो इनकी स्टेम होती है ना, आप हाथ लगाकर देखना, आपको एक वैक्स की कोटिंग जैसी नजर आएगी। आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे ना, किसी भी कैक्टस की लीफ को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो आपको वैक्स वैक्स नजर आएगा। Which helps to retain water. जो water loss होने में इनकी help करता है, मतलब कम से कम water loss होने में इनकी help करती है वो waxy coating. Most desert plants have roots that grow very deep into the soil for absorbing water. जितने भी desert में मिलने वाले plant है उन सबकी plant, सबकी जो root होती है वो इतनी लंबी नीचे जाती है, जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता तब तक वो जाती रहती है नीचे, और जब पानी मिल जाता है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, इजीली अंडर वाटर लेती रहती है। एक मैंने आपको प्लांट बताया था, ओक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जितना ही जमीन के ऊपर होता है उससे 30 टाइम नीचे इसकी रूट्स होती हैं, 30 टाइम्स अंडर सॉइल इसकी रूट्स होती हैं। इसको कभी पानी की जरूरत नहीं पड़ती और इसके स्टेम में पानी कलेक्ट रहता है। जब वहां रहने वाले लोगों को पानी की कमी हो जाती है या बहुत टाइम तक बारिश ना होने की वजह से पानी नहीं होता तो वो क्या करते हैं, इसके स्टेम में पाइप डालते हैं और वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट है वो? ओक प्लांट है, ठीक। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। टॉपिक आज का कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्लास का टाइम सबको पता है, 1:30 PM पर क्लास अपलोड होती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है। क्लास 5 मैथ्स
जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। क्लास 6 मैथ्स जो एनसीईआरटी है, फुल एनसीईआरटी की बुक मैंने कंप्लीट कराई है। इसी तरीके से क्लास 7 की भी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई है और क्लास 8 की भी एनसीईआरटी ही कंप्लीट कराई है। तो अगर आप लोगों को कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज बिल्कुल क्वेश्चन वन टू ऑल क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से क्लास 5 की वीडियो को देखेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।